यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। भागो जी खीर जैसे लोगों ने बहुत जमीन अपनी दान की है। पण नाना शंकर शेठ यांचं चरित्र आम्ही आज राज्यपालांना पाठवणार आहोत। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक का कोई सबसे विवादित राज्यपाल हुआ है तो वे हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने जब से राज्यपाल की कुर्सी संभाली है तब से वे किन्हीं न किन्हीं विवादों में फंसे हैं, कभी अपने क्रियाकलापों की वजह से तो कभी अपने बयानों की वजह से। अब फिर एक बार वे एक बयान की वजह से विवादों में हैं और उन्होंने तो इस बार मुंबई को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से न केवल विपक्षी पार्टियां उनकी निंदा कर रही हैं बल्कि मौजूदा जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है, शिंदे और बीजेपी का गठबंधन, उन्होंने भी इस बयान को ठीक नहीं बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, देश का सबसे बड़ा शहर है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में तमाम समुदायों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कि गुजराती समुदाय भी है, राजस्थानी समुदाय भी है। लेकिन मुंबई देश की राजधानी कैसे बनी, इसको लेकर भगत सिंह कोश्यारी की अपनी एक अलग राय है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने यह कहा कि अगर मुंबई से गुजरातियों को और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो मुंबई के पास पैसा बचेगा ही नहीं और मुंबई की हैसियत देश की आर्थिक राजधानी की नहीं रह जाएगी। ये बयान उन्होंने शुक्रवार की शाम अंधेरी इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था और उनके इस बयान को संजय राउत ने शनिवार की सुबह ट्वीट कर दिया और जिसके बाद एक तरह से महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया। उनके बयान का सभी पार्टियों ने विरोध किया। शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत फुरंत अपने घर मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोश्यारी के बयान की निंदा की और कहा कि कोश्यारी जो है अपने बयान के जरिए मुंबई की अहमियत कम कर रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कोश्यारी के बयान से भड़क गए। उन्होंने अपनी ओर से एक बयान जारी किया जिसका शीर्षक दिया कोश्यारी की होशियारी और इस बयान में उन्होंने नसीहत दी कि अगर राज्यपाल को महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं पता है तो उन्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल का पद एक गरिमामय पद होता है, इसलिए कई बार लोग उनके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे कुछ भी बोलें। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी एनसीपी ने भी कोश्यारी के बयान की निंदा की। शरद पवार, सुप्रिया सुले और बाकी के एनसीपी नेताओं ने बयान जारी करके कोश्यारी के बयान की निंदा की और कहा कि जिस तरह से कोश्यारी ने मुंबई की अहमियत कम करने की कोशिश की है अपने बयान के जरिए, वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। सत्ताधारी पार्टियों के अलावा महाराष्ट्र के शिंदे बीजेपी गठबंधन की ओर से भी कोश्यारी के बयान की निंदा की गई है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में उनके बयान को लेकर दो तरह की प्रतिक्रिया आई। एक प्रतिक्रिया जो है नीतीश राणे की तरफ से आई, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उनका कहना है कि कोश्यारी ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। नीतीश राणे उस कार्यक्रम में ही मौजूद थे जहां पर कि कोश्यारी ने बयान दिया था और नीतीश राणे का यह कहना है कि अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ मुंबई की समृद्धि में गुजराती और राजस्थानी समाज का जो योगदान था उसके बारे में बताया था। उनका उद्देश्य मुंबई की अहमियत को कम करना नहीं था, मराठी भाषियों को ठेस पहुंचाना नहीं था। दूसरी तरफ बीजेपी से आने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कोश्यारी के बयान को गलत बताया और साथ साथ महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने भी कोश्यारी के बयान की निंदा की। अपने शब्दों पर विवाद होता देख कोश्यारी ने सफाई देते हुए एक बयान जारी किया और ये कहा कि उनका मकसद मराठी भाषिकों को ठेस पहुंचाना नहीं था, उल्टा उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें महाराष्ट्र में सेवा करने का मौका मिला। वे दरअसल मुंबई की समृद्धि में गुजराती और राजस्थानी समाज के योगदान की बात कर रहे थे और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है कि कोश्यारी इस तरह से विवाद में फंसे हों। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि 23 नवंबर 2019 को एक सुबह अचानक उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला दी थी। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। रातों रात महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था और सुबह सुबह
बिना किसी को भनक लगे उन्होंने शपथ विधि का एक कार्यक्रम रख दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से भी उनकी हमेशा अनबन रही। ठाकरे सरकार की ओर से विधान परिषद के जो 12 सीटों के लिए जो गवर्नर की ओर से नॉमिनेट किए जाते हैं, ऐसे 12 सीटों के लिए नाम भेजे गए थे, उन सीटों के नाम को इन्होंने मंजूर ही नहीं किया, उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया और इसकी वजह से सरकार और राज्यपाल के बीच काफी कड़वाहट थी। सरकार की ओर से विधानसभा स्पीकर के चुनाव के तरीके बदलने का प्रस्ताव भी भेजा गया गवर्नर के पास, लेकिन इन्होंने उसे मंजूर नहीं किया, ये कहते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बहरहाल कोश्यारी का ताजा बयान काफी संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और उनके इस बयान का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है।